हम ये बात कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, लेकिन उसी देश का युवा जब नशा और वासना में ग्रस्त होता है, उसी देश का युवा जब जगह जगह ड्रग्स में पकड़ा जाता है, उसी देश के युवाओं को जब ये कहा ये होता है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रिप है, मुझे तो गोवा जाना है, और लोगों को गोवा क्यों जाना होता है हम सभी जानते हैं, और वहाँ से इतर जब वो ही बच्चे अच्छा करियर बनाने की तरफ बढ़ते हैं, अपने जीवन को अच्छा स्तर पर ले जाने के लिए बढ़ते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा डाल दिया जाता है पढ़ने का, पेपर पास करने का, कि वो बच्चे कोटा जैसी जगहों पर न जाने कितने असंख्य बच्चे सुसाइड करते हैं। तो जो युवाओं की समस्या है सबसे ज्यादा, जब हम कहते हैं भारत युवा देश है, तो उस युवा देश में युवाओं की इतनी समस्याएं हैं, तो वो भारत किस तरह से, मैं ये बात आचार्य जी से, आचार्य प्रशांत जी इस विषय पे बहुत बात भी करते हैं, मैं आचार्य जी से ये प्रश्न लेना चाहती हूँ कि वो भारत, जब आप भारत युवा देश है कहते हैं और युवा इतनी या तो नशे और वासना में फंसा है या अपने करियर को लेके इतने एक डिलेमा में फंसा हुआ होता है, उस युवा के लिए आपके पास क्या समाधान है, मैं जानना चाहती हूँ। मूल बात यह है कि लोग बहिर्मुखी हो रहे हैं, और आर्य समाज कहें या महर्षि दयानंद की बात करें, वेदों की बात करें, तो वे अंतर्मुखी होने की बात करते हैं। टीवी चैनलों पर जो दिखाया जाता है वो आपको फंसाने का बहुत बड़ा जरिया है। अभी अभी क्रिकेट चल रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बहुत मातम मनाए गए देश में, जैसे कि हम कोई बहुत बड़ी जंग हार गए। देश को एक, जैसे हमारा दीपावली एक त्यौहार होता है, ऐसे ही क्रिकेट एक त्यौहार की तरह प्रस्तुत है। और मैं तो कहता हूँ वर्तमान में युवाओं की आत्मा मान लिया गया है क्रिकेट को, है ना, भगवान की तरह पूजा हो रही है उसकी। अब हर व्यक्ति का ये सपना है, वो या तो खेलना चाहता है क्रिकेट, या फिर वो देख करके उसमें पूरा समय उसका करियर पूरा जाता ही है, काफ़ी लंबा चलता है। ये एक तो क्रिकेट में आपको फंसाया जा रहा है, उसके बाद में ये जो लोग क्रिकेटर हों चाहे, और दूसरे बॉलीवुड के लोगों को भी लेकर के हम बात करें, तो ये क्या है, ये वासना का प्रचार करने का बहुत बड़ा माध्यम है, और ये लोग उसके एजेंट हैं, है ना। कोई भी गलत जुआ हो, ड्रीम इलेवन पर आप टीम बनाओ, घर से कर्जा उठाओ, उनको दे आओ, जो भी हैं। बहुत सारे युवाओं ने आत्महत्या करी है, परिवार इसमें फंस गए हैं। एक अंकुर जी को जानकारी हो, एक पूरा परिवार था उसने सुसाइड कर लिया था ना। ये लोग इसका प्रचार करते हैं। तो मैं कहता हूँ आज के जो युवा जो सोच रहे हैं ना, वास्तव में हमें लगता है कि ये हम सोच रहे हैं, हमारा सपना है, लेकिन वो सपने आपके सपने नहीं हैं, वो किसी और के सपने हैं, वो आपके अंदर प्रस्तुत कराए जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा आपके अंदर में मन मस्तिष्क में बिठाई जा रही है टीवी चैनलों के माध्यम से। तो आप जो करियर का जो चलता रहता है ना, हम गुरुकुल से पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, है ना, आयुष जी हैं, अंकुर जी हैं, सब हैं। हमारे जीवन में मुझे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है, और शायद हम करियर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, और हम तो सोचते भी नहीं है करियर का। कोई समस्या आई नहीं आई। आज जो बाहर का जो दिखाया जा रहा है ना करियर का, मैं कहता हूँ युवाओं को अपने अंदर लौटना चाहिए, जीवन को उन्हें देखना चाहिए। बात अर्थ की है तो हमारा जो वैदिक दर्शन है उसमें धर्म के बाद अर्थ ही आता है, काम तो बाद की बात है। तो धर्म पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर हम चलेंगे, तो अर्थ भी उससे मिलेगा, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा मिलेगा और सुकून से मिलेगा। अभी दिल्ली में लोग अर्थ के लिए ही आते हैं, और लोग भागे जा रहे हैं, और अर्थ का जीवन का अनर्थ हो रहा है ना। तो हमें अपने आप से जुड़ना चाहिए, और महर्षि दयानंद ने जो भी आर्य समाज के नियमों की स्थापना करी उसको हमें समझना चाहिए। तो युवा, एक तो मैं कहता हूँ बाहर से जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उससे एकदम से कट हो जाना चाहिए, और उसका सबसे बड़ी समाधान है कि मोबाइल से जितना दूर रह सकें युवा, उनको उतना दूर रहना चाहिए। क्योंकि योग दर्शन में ऐसी बातें आती हैं कि जो व्यक्ति सबसे दूर रहता है, वो अकेला रहता है, तब उसके जीवन के कुछ जो द्वंद्व चलते रहते हैं उसको वो देख पाता है। लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आए हैं जिन लोगों का जीवन बदल गया लॉकडाउन के कारण। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। तो वे लोगों ने क्या किया, बाहर से सारा तंत्र उनका समाप्त हो गया, फिर उन्होंने अपने घर में ग्रंथ पढ़े, और उसके बाद उनका जीवन बदल गया, और कुछ लोग गुरुकुल में गए, और उनका आजीवन ऐसा संकल्प हुआ है कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। ये कहाँ से मिला, उससे डिस्कनेक्ट हुए हैं, है ना।
तो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे डिस्कनेक्ट होना है, गलत तरीके से जो है अच्छी अच्छी बातें कहीं से भी ली जा सकती हैं, बाहर मूल बात है कि हमें अपने ग्रंथों की ओर लौटना चाहिए, उसमें हर चीज़ का समाधान है। अभी कैंसर की बात हो रही थी, वेद कहता है अक्षरमा दिव्य कृष्णमित कृष्णस्व, खेती करो आप स्वयं से करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, ठीक खाएंगे, यूरिया नहीं खाएंगे तो कैंसर वैंसर सारी सब बीमारियों का इलाज आपके हाथ में ही है ना, केमिकल का ये सब खा रहे हैं उसी से सब हो रहा है। तो वेद के एक एक बात पर आप विचार करें, और वैदिक विचारधारा आर्य समाज की ही विचारधारा है ना, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रंथों में हर चीज़ का समाधान है। युवा जो इतने जो पढ़ते रहते हैं गूगल पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उल्टा सीधा, यदि थोड़ा सा भी अपने जीवन के विषय में पढ़ें तो मुझे लगता है कि जितने भी झंझावात जीवन में उनका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसमें ही मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब मैं खुद गुरुकुल में था तो एक समय ऐसा आया कि हमने बहुत लोगों को गुरुकुल में ऐसा होता है कि अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है उड़ा उड़ा चून पितरों के नाम का, जो सबसे खराब फल होता है ना तो उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो सबसे बिगाड़ा बच्चा होगा उसको गुरुकुल में भेजा जाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी बच्चे वहाँ आए, और धीरे धीरे उनकी जब दिमाग की जो क्वेरीज थी, मन मस्तिष्क परेशान होता है, बहुत सारी क्वेरीज उनकी वहाँ शांत हुई, और वही लड़के सारे सारे इन फ्यूचर सारे इंट्रोवर्ट बने, ध्यान साधने में अच्छे गए, बहुत कम समय में उन्होंने अष्टाध्याय को याद किया। तो एक बार ऐसे ही मंच पर मैं खड़ा हुआ था, तो उस टाइम मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुकुल की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है आपके जीवन में। मैंने कहा कि गुरुकुल का बच्चा पहली बात तो कभी भूखा नहीं मरेगा, और दूसरी बात वो आत्महत्या नहीं करेगा, और तीसरी बात कि वो कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेगा। और ये जितने भी आज की तारीख में जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, हम लाखों लाखों रुपये फीस देते हैं, तीनों काम होते हैं, बच्चा माँ बाप का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, वो बाद में रोते हैं, दूसरा के आत्महत्याएं भी करते हैं, और तीसरा के डिग्री बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है, बोला छोटी हमें करनी है, बड़ी हमें मिलती नहीं। तो वो हाल हो रखा है आज की तारीख में। तो गुरुकुलों से ना केवल संस्कार और जीवन जीने की कला मिलती है, आचार्य से मेरी बात हो रही थी तो कहने लगे कमाना तो उतना है जितने में अपनी दाल रोटी चल जाए, बाकी तो जितने भी हैं वो सारे के सारे हमें क्या बनाते हैं, हमें सारे के सारे आलसी बनाते हैं, दुर्व्यसनी बनाते हैं, और बीमार बनाते हैं। ज्यादा जितना भी ज्यादा पैसा आएगा वो हमें अपराधी ही बनाएगा। इसलिए जो ऋषि परंपरा है, जो गुरुकुलीय परंपरा है, आर्य समाज का विशेष योगदान इसलिए है क्योंकि उसमें यह नहीं कहा गया कि केवल लड़के आएंगे और विशेष जाति के ही आएंगे, प्रत्येक को वहां पर स्थान मिला है, प्रत्येक का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है। तो इस कारण से यह समाधान मैं मानता हूं कि करियर, संस्कार और ये जो आत्महत्या वाला है, ये सब का समाधान केवल और केवल आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो गुरुकुलीय परंपरा दी गई है उसी के पास है। बिल्कुल, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ दोनों भाइयों के उत्तर से। तो हमारे मध्य में आचार्य प्रशांत जी उपस्थित हैं इसी प्रश्न को लेकर। वो केवल हम लोग कहते हैं ना अपने बच्चों को तो कोई गुरुकुल में नहीं भेजता, भगत सिंह बने सामने पड़ोसी का बच्चा, अपने बेटे को भी जब गुरुकुल में भेजे हुए आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि और किस रूप में आकर्षित किया जा सकता है। जैसे आयुष जी ने कहा था कि लोग हमसे सीखते हैं स्वयं से, तो हम जो बोलते हैं मुझे लगता है उससे कम सीखते हैं लोग, लेकिन हम जो होते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो मेरा तो गुरुकुल के प्रति इतना प्रेम रहा कि मैंने तो घर बसाने के बाद गुरुकुल गया है ना। मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा वाला पढ़ता है अम्बाला गुरुकुल में, छोटा वाला चला जाएगा एक दो साल के बाद। एक बात आर्य समाज में बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग आर्य समाज से ही जुड़े हैं, एक बात बहुत कही जाती है कि आर्य समाज के जो विद्वान लोग हैं ना वो स्वयं के बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हैं, और ये सत्यता भी है, उसमें कोई मैं अतिशयोक्ति भी नहीं है, कुछ लोग हैं तो वो सारी चीज़ें हम पे तो लागू नहीं होती हैं। मेरा ऐसा सोचना है, देखो उनका जीवन है बच्चों का, वो क्या करेंगे, उनका जीवन है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि वो सन्यासी बने, क्योंकि वो देश के लिए कुछ काम करें, है ना। घर गृहस्थी तो सबने बसा ही ली है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो जाता है उससे, क्योंकि एक सन्यासी देश के लिए जितना कर सकता है उतना शायद गृहस्थ नहीं कर सकता है, मेरा मानना ऐसा है। तो जब व्यक्ति आपको देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि करना क्या है ज़िंदगी में। अब आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, मिलने भी आते हैं और सुनते भी हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जब हम गुरुकुल से नहीं जुड़े थे तो एक समय ऐसा था कि हम भी किसी बातों को सुन करके, राजीव भाई को सुन के बहुत स्ट्रेस में चले गए, देश के लिए क्या करें क्या ना करें, तो स्वयं हम स्ट्रेस में थे,
और आज वो दिन है कि गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों का स्ट्रेस दूर कर चुके हैं। ये गुरुकुल की विद्या का प्रताप है, है ना। लोग आते हैं, मैं उनकी निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं है, लोग कंगाल हैं अंदर से, है ना। वो चाहे जितना कमाते हों लेकिन अंत में वो रोते हुए ही पाए जाते हैं। और जिसको प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करना है वो गुरुकुल, ठीक है सब लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन गुरुकुल की जो विचारधारा है, गुरुकुल से जो विद्यार्थी निकलते हैं वो कुछ कह रहे हैं, उन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और गुरुकुल के प्रति जो विचारधारा है, आयुष जी ने कहा कि वहाँ तो जाकर के सब साधु हो जाते हैं, सब बाबा हो जाते हैं, किसी के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश भी दिख गया तो भाई ये तो अब गया, काम से गया, है ना। तो ये विचारधारा हमें बदलनी है, इसके लिए भी हमें कुछ काम करना है। और जो कह रहे हैं ना हमारे युवा तो काम आते हैं, ये निकम्बे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इनको बस एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब मैं कहूँ तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई गुरुकुल में नहीं भेज रहा है बच्चों को, क्योंकि मेरे पास तो इतने मैसेज और कॉल आते हैं, मैं उनके लिए गुरुकुल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ, ये हमारी समस्या है। तो इसमें हम सब जितने लोग आर्य समाज से जुड़े हैं उनको एक बात का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, जो बात मनुस्मृति में कही गई है कि दशांश हमें दान करना चाहिए, जब जितना कि हम नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था से ही गुरुकुल चलेगा, बिना उसके चलता नहीं है। तो मुझे लगता है हम अपनी जेब थोड़ी ढीली करें तो उससे गुरुकुलों की स्थापना होगी, और विद्यार्थी बैठे हैं, है ना, उनके लिए एक अच्छी जगह जो चाहिए वो हमसे अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रयास है उसके लिए कर रहे हैं, जैसे अभी एक प्रयास आयुष जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जब हम सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोग अभी वेटिंग में बैठे हैं ना मेट्रो पे, जैसे स्टेशन में जैसे ही आई हो वो फुल हो जाती है, गुरुकुल खुलेगा, विद्यार्थी आएंगे, उसमें कोई कमी की कोई बात ही नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि लोग बैठे हैं तैयार, और हमें पहल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।